O2Y as a candidate, a premier institution for civil services. So Mohit, first, congratulations for your success in civil service examination. Thank you so much, sir. कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उनको भी इंस्पायर करे और उनके भी आगे फ्यूचर में उनको बेनिफिशियल हो. तो आपने जैसे बताया कि आपने दो साल के अंदर जो था अपना सिविल सर्विस का प्रिपरेशन किया, एक रिजल्ट फेस किया, तो इसका जो प्रिपरेशन था आपने एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया? 2017 अगस्त में मैंने जॉब छोड़ी थी, तो 2017 अगस्त से ही मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी. तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स, तो 2 साल का ड्यूरेशन लगा मुझे ऑलमोस्ट. तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे? हाँ जी. तो आप जॉब से आपका सिविल सर्विस में इस क्यों आपने सोचा कि आई शुड गो फॉर सिविल सर्विस? खास वजह, कोई खास इंस्पिरेशन लाइफ में? 3-4 चीजें थी उस टाइम पे कि 2 साल हो गए थे जॉब करते हुए, तो मुझे लगा कि कुछ और बेटर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों के लिए और डेवलपमेंट के लिए. और दूसरी वजह थी कि पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया. तो मतलब पेरेंट्स नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं कि आप इन बिटवीन जैसे जॉब छोड़ के आए और प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करें जीरो से. सो मेरे सिस्टर, मेरे मॉम डैड, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया. देन जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी उस टाइम पे, आई गेस 2015 का रिजल्ट आया था, 3 अडा भी मैम ने टॉप किया था उस टाइम पे. सो देट वॉज क्वाइट इंस्पिरेशन फॉर मी. ये वाकई में बड़ा एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में होते हैं, जॉब के बाद आपको सिविल सर्विस में आना, क्योंकि सिविल सर्विस टेक लॉट ऑफ टाइम. तो आपको तो कितना लगता है कि ये एक कितना डिफिकल्ट डिसीजन ये होता है, और जब आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि आप एक जॉब से आप सिविल सर्विस में आ रहे, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, कि जिसको आपके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि एक सेटल कैरियर से एक आप सिविल सर्विस में आना इज नॉट अ वेरी इजी चॉइस. सबसे पहले तो वही है कि आपका अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज टाइम आता है प्रिपरेशन के बीच में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी टेस्ट दिया तो आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं. तो उस मतलब अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. सो वो बहुत ज़रूरी है. और भी चीज़ें हैं, जैसे अब फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मैटर करता है, वेदर यू आर अर्निंग और फैमिली आप पे डिपेंडेंट है या नहीं. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ में भी निकालते हैं. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो मैंने जॉब छोड़ दी उस टाइम पे. तो डिपेंड करता है जी. कैसे पढ़ते थे आप और कितना टाइम आप डेली स्पेंड करते थे? स्टार्टिंग का अगर एक से डेढ़ साल देखे जाए तो ऑलमोस्ट 8 to 10 hours की स्टडी रहती थी डेली की, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स रीडिंग एंड ऑल दैट. देन डिपेंड करता है, जैसे आप जब एग्जाम के लिए टाइम कम रहता है, 2-3 महीना बचा, या मेंस के लिए प्री के बाद मेंस में बहुत कम टाइम रहता है, तो उस टाइम पे वो स्टडी आवर्स बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज रिविजन आपको बार बार करना होता है उस टाइम पे. तो 12 घंटा में भी 10 से 12 घंटा तो वो इंक्रीज हो जाता है. 10-12 घंटे की स्टडी में आप क्या नोट्स मेकिंग अपनी किया करते थे? अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चीजें हैं. जैसे अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा आपको नोट्स बनाने की जरूरत है कुछ स्टैटिक पोर्शन में से, बिकॉज दैट बुक इज ऑलरेडी इन नोट्स फॉर्म. हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जो भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और डेली करंट अफेयर किसी भी आप एक साइट से कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि नोट्स मेकिंग जरूरी है. बिकॉज वो नहीं तो लास्ट में बहुत ज्यादा कंपाइलेशन हो जाता है, उतना हम रेफर नहीं कर पाते हैं. तो न्यूज़पेपर के मैं डेली नोट्स बनाता था. और अगर एनसीईआरटी जैसे पढ़ी है, तो एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ने के बाद आई प्रेफर कि नोट्स बना लूं मैं, बिकॉज प्रीलिम्स के टाइम पे आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे. तो वो चीज मुझे लगता है कि जो बहुत बल्कि बुक्स हैं या एनसीईआरटीज हैं, आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, दैट हेल्प्स इन रिवीजन, क्विक रिवीजन. जी. और जैसे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी के साथ साथ वो सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस को भी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं जी. तो आपका, आपको कैसे लगता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टेट सिविल सर्विस से थोड़ा अलग है, या क्या फर्क आप महसूस करते हैं कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस में? पहली बात तो पैटर्न अगर हम देखें तो काफी अलग है काफी स्टेट्स का. जैसे हरियाणा की बात करें तो 2 ऑप्शनल थे उसमें, और यूपीएससी में तो 1 ही है. लेकिन स्टेट टू स्टेट मुझे लगता है डिफर करता है, बिकॉज हरियाणा में वो लोग स्टेट स्पेसिफिक इतना मेंस में नहीं पूछते हैं, प्रीलिम्स में रहता है. तो यूपीएससी वाले वहाँ पे एक एज ले सकते हैं डेफिनेटली. यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टेट में तो एक एक्स्ट्रा एज तो मुझे लगता है कि होता है कैंडिडेट्स के पास,
because you have already read all the current affairs and national international news. Baki it differs from state to state. Agar specifically Punjab ki baat kare, wahan koi optional nahi hai, to wahan pe alag pattern hai. तो लेकिन मुझे लगता है कि देना चाहिए, अगर ज्वाइन ना भी करें तो भी एक आपको कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कहीं सही डायरेक्शन में हमारी प्रिपरेशन जा रही है. जैसे आपने अपना प्रिपरेशन कर रही थी तो काफी आपको 2 साल का आपका लंबा पीरियड इसमें चला है. जी जी. तो कैसी जर्नी रही है? मीन टू से कि समटाइम होता है कि आप कई बार किसी चीज से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. 2 साल में आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कि मेरा जो एम है वो सिविल सर्विस है, तीन चार चीजें थी. अप्स एंड डाउन्स तो सबके लिए आते हैं. डेली रूटीन काफी इंपॉर्टेंट है. अगर किसी की हॉबीज हैं तो वो परस्यू कर सकते हैं. मैं मेडिटेशन करता था उस टाइम पे, अभी भी करता हूँ, मतलब 15-20 मिनट मॉर्निंग में और 15-20 मिनट इवनिंग में. तो मुझे लगता है कि माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है. तो आप थोड़ा अपने हॉबीज को परस्यू करिए, थोड़ा बाहर जाइए, वॉक पे जा सकते हैं. तो वो चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो माइंड को काफ़ी रिफ्रेश रखता है. और मैंने तो अपने मतलब जो स्टडी टेबल था उसके सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट टू बी इन दिस ऑफिसर. सो वो मुझे लगता है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो इट हेल्प्स कि आपको माइंड में रहता है कि जी ये इसके लिए आप अचीव कर रहे हैं, इसके लिए आप एम कर रहे हैं. तो वो हेल्प करता है. क्या कोई बुक या कोई ऐसी कोई पर्सनालिटी जो आपको इंस्पायर करती थी, क्या उनके बारे में भी आप पढ़ते थे? बुक्स मैंने मेडिटेशन की ही पढ़ी थी. सदगुरु जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उनकी बुक है इनर इंजीनियरिंग पे, दैट इज क्वाइट हेल्पफुल. सो अगर आप इन बिटवीन आप कहीं डेविएट हो जाते हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको मोटिवेशन में काफी हेल्प करेगी. तो इनर इंजीनियरिंग नाम से एक बुक है, दैट इज वेरी गुड. कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में जो इंस्पिरेशनल बुक्स है वो जरूर होनी चाहिए. जी 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 हाँ, वो आपको हेल्प करती है डेफिनेटली. जी 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 ठीक है ठीक है. और फाइनली व्हाट्स योर हाउ वाज योर जर्नी विद O2IS एकेडमी एंड हाउ यू फील अबाउट योर प्रिपरेशन? O2IS has been of immense helpful for me. And जैसे मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था तो काफ़ी अच्छा रहा. वो फीडबैक पे वर्क किया था तो इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी उससे. सो आई एम रियली थैंकफुल टू O2IS एंड द होल टीम. थैंक यू मोहित, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ड्यूटीज. जी.